अ मार्केटिंग एन्वायरमेंट इज अ मार्केटिंग टर्म एंड रेफरस टू दी फैक्टर्स एंड फोर्स दैट अफेक्ट अ फर्म्स एबिलिटी टू बिल्ड एंड मेनटेन सक्सेसफुल रिलेशनशिप विद दी कस्टमर्स बेसिकली मार्केटिंग एनवायरमेंट एक मार्केटिंग की टर्म है जो उन सारे फैक्टर्स और फोर्सेज को डिफाइन करती है बताती है जिससे फर्म एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप अपने कस्टमर से बना पाती है वो सारे इम्पैक्ट वो सारे फोर्सेज जो एक कस्टमर के और मार्केट या की रिलेशनशिप को इम्पैक्ट करते हैं दैट इज़ अ मार्केटिंग एनवायरमेंट बेसिकली मार्केटिंग एनवायरमेंट आर ऑफ थ्री टाइप्स फर्स्ट दी माइक्रो इन्वायरमेंट माइक्रो इन्वायरमेंट फोर्स विद इन दी कंपनी दैट अफेक्ट इट्स एबिलिटी टू सर्व इट्स कस्टमर्स वो सारे फोर्सेज जो कंपनी के इंटरनली ही होते हैं दैट इज कॉल्ड द माइक्रो इन्वायरमेंट जो कंपनी के अंडर हैं जैसे मेरी प्रोडक्शन कैसे हो रही है मेरे ह्यूमन रिसोर्स कैसे हैं मेरे सप्लायर्स कैसे हैं मैं कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रही हूँ दीज आर ऑल माइक्रो एन्वायरमेंट देन मेसो एनवायरनमेंट मेसो एनवायरनमेंट द इंडस्ट्री इन विच अ कंपनी ऑपरेट्स एंड द इंडस्ट्रीज मार्केट अगर आप एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हैं तो उस इंडस्ट्री का पूरा एज अ होल कैसे ऑपरेट कर रही है फॉर एग्जांपल अगर आप मोबाइल इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं तो एज अ होल मोबाइल इंडस्ट्री में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं कौन सी नई टेक्नोलॉजी आ गई कौन सा नया रूल्स रेगुलेशन है उस इंडस्ट्री में जो इम्प्लीमेंट हो रहा है दिस इज मैसो इन्वायरमेंट देन वी हैव मैक्रो इन्वायरमेंट नेशनल लेवल पर जो होता है लार्जर सोसाइटल फोर्स दैट अफेक्ट दी माइक्रो एनवायरमेंट माइक्रो एनवायरमेंट सबसे ज़्यादा बड़ा है स्कोप में सबसे ज़्यादा वाइड स्कोप है उसका मैक्रो एनवायरमेंट इज़ बेसिकली कि पूरी इकोनोमी में एज अ होल कैसा

फैक्टर्स हैं ऐसे कौन कौन से फोर्सेस हैं जो रिलेशनशिप को इम्पैक्ट करते हैं कस्टमर के और मार्केटर के सबसे पहला इसमें है डेमोग्राफिक फोर्सेस डेमोग्राफिक फोर्सेस एक पर्टिकुलर सिचुएशन की क्या क्या वहाँ पे कैसे लोग रहते हैं वहाँ पे कितने एज के लोग हैं कितने बच्चे हैं कितने बड़े हैं वहाँ पे किस टाइप का एनवायरनमेंट वेदर रहता है दिस इज बेसिकली दी डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट देन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इज बेसिकली आपकी एज अ होल इकॉनमी कैसी है बूम चल रहा है इकॉनमी में बेन है डिप्रेशन है हो सकता है आपकी डेवलपिंग इकॉनमी है डेवलप्ड इकॉनमी है देन नेचुरल रिसोर्सेज वहाँ पे रॉ मटेरियल ईजीली अवेलेबल है या नहीं है वहाँ पे क्लाइमेट कैसा है हो सकता है बहुत मॉइस्ट हो अगर आप अगर आप कोशिश करेंगे आप ए कश्मीर जैसे एरिया में बेचें तो नहीं बेच सकते सो इट डिपेंड्स अपॉन दी नेचुरल एनवायरनमेंट एज वेल देन दी टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट आप किस तरीके की टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर रहे हैं आप कौन सा प्रोडक्शन का तरीका यूज़ कर रहे हैं आप किस तरीके के रिसोर्सेज यूज करेंगे देन दी पोलिटिकल इन्वायरमेंट पोलिटिकल इनवायरमेंट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है कंपनीज़ का पार्टी स्टेबल है या नहीं है हो सकता है आप जो रूलिंग पार्टी थी उनके रूल करते पीरियड में ही आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गवर्नमेंट से बट रूलिंग पार्टी गॉट चेंज अब दूसरी पार्टी अगर बहुत एवरी नाउ एंड देन आ जाती है मे बी दैट पार्टी इज क्रिएटिंग एन ऑब्स्टिकल मे बी दे आर क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम फॉर योर कंपनी टू ऑपरेट योर ऑपरेशन तो कहीं बार पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी कंपनी को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है देन वी हैव कल्चरल एनवायरमेंट कल्चर एनवायरमेंट एक पर्टिकुलर कंट्री का कल्चर कैसा है वहाँ का कल्चर अगर हो सकता है बहुत ओपन है वहाँ पर मार्केटिंग अलग तरीके से करेंगे इफ इट इज़ वेरी रिजर्व आप वहाँ मार्केट अलग तरीके से करेंगे दिस द पोर्शन इज शोन इन द येलो कलर इज बेसिकली मैक्रो इन्वायरमेंट ऑफ कंपनी देन इज वी माइक्रो इन्वायरमेंट माइक्रो इन्वायरमेंट कंपनी का है सबसे पहले कंपनी कंपनी एज अ होल कैसे काम करती है उसके अपने मिशन क्या है उसके अपने ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं देन सप्लायर्स वो सारे लोग जो आपको प्रोडक्ट सप्लाई करेंगे आपको जो आप सामान प्रोवाइड कर रहे हैं आपके रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपको बहुत हद तक इम्पैक्ट करते हैं कई बार ही हो सकता है कि आपका सप्लायर आपको टाइमली प्रोडक्ट डिलीवर नहीं करता अच्छी क्वालिटी का नहीं करता तो अकॉर्डिंगली आपकी कंपनी को अलग अपनी पॉलिसीज जो है चेंज करनी पड़ेंगी देन कस्टमर्स कस्टमर के माइंडसेट में आपकी क्या इमेज है कस्टमर के हिसाब से आपका प्रोडक्ट आपकी कंपनी की क्या स्टैंडिंग है कस्टमर का प्रोडक्ट खरीदता भी है या नहीं खरीदता फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट एप्पल स्टीव जॉब्स का एक ऐसा इम्पैक्ट है उन्होंने एक ऐपल ऐसा एक प्रोडक्ट लॉन्च किया कि उसका एक ऐसा माइंड हो गया लोगों को ऐपल को लेकर इट इज़ अ क्वालिटी प्रोडक्ट ओनली दे आर रेडी टू स्पेंड थर्टी थाउजेंड जस्ट फॉर अ फ़ोन सो दिस इज हाउ कस्टमर कैसे आपके प्रोडक्ट को कंसीव कर रहे हैं देन इंटरमीडियरीज बहुत सारे इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व होते हैं जब आप प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर आप होलसेलर रिटेलर दीज आर बेसिकली द इंटरमीडियरीज आप प्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन आप डायरेक्टली कस्टमर को प्रोवाइड नहीं कर सकते और लॉट ऑफ बीच में इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व रहेंगे तो बेसिकली इंटरमीडिएट का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है वाई बिकॉज दे आर द पर्सन हुआर डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर्स कस्टमर्स का जो फीडबैक है उनकी क्या नीड्स डिज़ायर थी क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस थी क्या उनका फीडबैक के प्रोडक्टली प्रोडक्ट को लेके ये सब आपको ही कंपनी को बता सकते हैं देन वी हैव कॉम्पिटिटर्स कॉम्पिटिटर्स आपके कॉम्पिटिटर्स किस तरह की स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं वो किस तरीके का नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं उस पे भी डिपेंड करता है कंपनी की अपनी पॉलिसीज अपने ऑपरेशंस कैसे होंगी फॉर एग्जांपल टेक पेप्सी एंड कोक बहुत कट थ्रूट कॉम्पिटिशन अब हो सकता है पैप्सी ने एक नया फ्लेवर लॉन्च कर दिया मे बी अ मिंट फ्लेवर अब कोक के पास वो फ्लेवर नहीं है लेकिन अगर कंपनी ने अगर सर्वाइव करना है अगर वो मिंट फ्लेवर पेप्सी का लोग बहुत लाइक कर रहे हैं कोक को वो सेम या कोई नया फ्लेवर और निकालना पड़ेगा ताकि वो अपने कस्टमर्स को रिटेन कर सके दिस इज हाउ आपके कॉम्पिटिटर्स का भी इम्पैक्ट पड़ता है आपकी कंपनी के ऑपरेशन में देन वी हैव पब्लिक्स पब्लिक्स पब्लिक एज अ होल एज अ जनरल आपकी पब्लिक इमेज कैसी है आपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर अच्छा ते हो आप कंपनी की इमेज अच्छी है पब्लिक के आगे सो अकॉर्डिंगली कंपनी को उससे फायदा होता है नाउ लेटेस्ट गो थ्रू ऑल दिस माइक्रो एंड माइक्रो एनवायरमेंट इन डिटेल्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कंपनीज इंटरनल इन्वायरमेंट माइक्रो इन्वायरमेंट से पहले हम इंक्लूड करते हैं कंपनी का इंटरनल इन्वायरमेंट जैसे उनके अपने फंक्शनल एरियाज कैसे हैं फॉर एग्जाम्पल टॉप मैनेजमेंट कैसे काम करता है बेसिकली देर आर थ्री लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट टॉप लेवल मिडिल लेवल एंड दी लोएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट ये जो अलग अलग लेवल्स हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं उनके अपने ऑब्जेक्टिव सेट क्या है मिशन कैसे हैं किस तरीके से दे ऑल कम्युनिकेट ऑल दीज थिंग्स इम्पैक्ट दी कंपनीज ऑपरेशन कंपनी के फाइनेसिस कैसे अरेंज हो रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स कैसा है उनका ह्यूमन कैपिटल कैसा है मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो रही है दिस ऑल थिंग्स विल कम अंडर कंपनीज इंटरनल एनवायरमेंट न वी हैव सप्लायर्स सप्लायर्स हु प्रोवाइड द रिसोर्स नीडिड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज वो सारे लोग जो हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं वो रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे मैं अपने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती हूँ आर कॉल्ड सप्लायर्स फॉर एग्जाम्पल अगर आप शुगर की मैन्यूफेक्चरिंग कर रहे हैं तो वो कंसर्न पर्सन जो आपको शुगर केन प्रोवाइड कर रहा है दोज पीपल आर सप्लायर्स अपार्ट फ्रॉम दैट आपको आपकी और मेंटेनेंस के लिए जो सामान चाहिए एनी थिंग एनी रॉ मेटेरियल विच इज बींग प्रोवाइडेड बाई एनी कंसर्न पर्सन विल कम अंडर दिस हेड ऑफ सप्लायर्स

अगर आप किसी एक आउटलेट पे जाते हैं टू बाय सपोज यू आर बाइंग इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉम क्रोमा आउटलेट क्रोमा एक टाटा का आउटलेट है जो इलेक्ट्रॉनिक्स में डील करता है अगर आप वहाँ से अगर सोनी का एलसीडी ले रहे हैं सोनी इज़ दी मैन्युफैक्चरर ऑफ दैट पर्टिकुलर एलसीडी सी बट क्रोमा डज नॉट बिलोंग टू सोनी क्रोमा उस केस में एक इंटरमीडियरी है जो सोनी का प्रोडक्ट फाइनल कस्टमर को प्रोवाइड कर रहा है सो हेयर क्रोमा इज़ अ बेसिकली रिटेल आउटलेट एक इंटरमीडियरी है

सर्विसेज कॉम्पिटिटर्स वो लोग हैं जो आपके साथ सेम मार्केट में सेम तरीके का काम सेम प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं जैसे so, हमने एग्जाम्पल अभी पेप्सी और कोक का लिया था कॉम्पिटिटर्स आई सी आई सी आई एक्सेस एच डी एफ सी दे ऑल आर कॉम्पिटिटर्स सेम इंडस्ट्री में सेम टाइप का काम अगर आप लोग कर रहे हैं सेम एरिया में आप लोग कर रहे हैं आप लोगों का टारगेट मार्केट सेम है फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट एक्सेस एंड आई सी आई सी आई बैंक उनका टारगेट मार्केट एक पर्टिकुलर कस्टमर्स हैं सपोज अगर मैं सेविंग्स अकाउंट की बात करूँ तो मुझे उन कस्टमर्स को टारगेट करना है हु कैन मेंटेन मिनिमम ट्वेंटी फाइव थर्टी थाउजेंड बैलेंस मैं उस एक पर्टिकुलर इनकम लेवल वाले कस्टमर्स को टारगेट करूँगी तो आई सी आई सी उनको टारगेट करेगा एक्सिस भी उन्हें ही टारगेट करेगा सो वी बोथ आर कंपीटिंग देन दी पब्लिक एनी ग्रुप दैट परसिवस इट्स एन इंटरेस्ट इन एबिलिटी टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव वो कोई भी ग्रुप जिसका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है मेरी कंपनी में टू मेक एनी ऑफ देयर ऑब्जेक्टिव कम्पलीट इस कम अंडर पब्लिक तो पब्लिक का भी रोल होता है माइक्रो एनवायरमेंट में नाउ लेटस गो थ्रू सम एलिमेंट विच आर इन्वॉल्व इन माइक्रो एन्वायरमेंट माइक्रो एन्वायरमेंट में बेसिकली हम बात करते हैं हमारे डेमोग्राफिक एन्वायरमेंट की डेमोग्राफिक कैसा वहाँ पे कल्चर कैसा है एक पर्टिकुलर रीजन में किस तरीके के लोग हैं किस एज के लोग हैं किस टाइप की वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है देन इकोनॉमिक रिसोर्सेज कहाँ पे इकोनॉमिक कैसे हैं देन नेचुरल रिसोर्सेज कैसे हैं टेक्नोलॉजिकल वहाँ पे कैसा अपग्रेडेशन है देन पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कैसा है कल्चरल इन्वायरमेंट कैसा है दीज आर बेसिकली द फोर्स दैट शेप्स दी अपरचुनिटीज एंड पोज दी थ्रेड्स टूअर कंपनी ये जितने भी फोर्सेस हैं हो सकता है आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं या हो सकता है आपको एक थ्रेड प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर एग्जांपल लेट्स से कम हमारी गवर्नमेंट ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हंड्रेड परसेंट कर दिए हैं फॉर इन केस ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्रीज राइट सो अगर फॉरेन बैंक्स हंड्रेड परसेंट इन्वेस्टमेंट करके हमारे इंडिया में ऑपरेट कर सकते हैं अब ये एक थ्रेट भी हो सकता है फॉर एग्जिस्टिंग इंडियन बैंक्स हो सकता है एक्सिस एच डी एफ सी आई सी आई सी आई इनके लिए ये थ्रेट है कि अब फॉरन बैंक्स आ जाएंगे तो हो सकता है कस्टमर प्रेफर करें फॉरन बैंक को क्योंकि उनका ज़्यादा ब्रांड नेम है बट इट कुड बी वन अपॉर्चुनिटी ऑल्सो वाई बिकॉज हो सकता है कोई इंडियन बैंक अगर टाइप कर लेता है फॉरन बैंक से तो वो उन दोनों के लिए ही बेनीफिट शियल वेंचर हो सकता है सो दिस इज हाउ आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है एंड ए थ्रेड भी हो सकता है नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वट ऑल इंक्लूड्स इन टू द इकोनॉमिक एनवायरमेंट अब आपके इकोनॉमी में बेसिकली तीन चीज़ें आती हैं सबसे पहला होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपकी इकोनॉमी में डेवलपमेंट किस लेवल पे हो गया है आपकी इकोनॉमी डेवलपिंग है डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है इट डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ डेवलपमेंट इन योर इकोनॉमी की इनकम कैसा होगा लोगों का परचेजिंग पावर कैसा होगा फॉर एग्जांपल अगर आप अमेरिका की बात करें डेवलप्ड इकॉनमी है वहाँ पर लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफ़ी हाई है अकॉर्डिंगली उनका परचेजिंग लेवल भी ज़्यादा है बट इफ़ यू टॉक अबाउट इंडिया हमारी डेवलपिंग इकोनमी है तो परचेजिंग पापर पावर यहाँ पर भी लोगों की काफ़ी हाई है लेकिन बट इफ यू कंपेयर इट विद अमेरिकन हो सकता है कुछ एरियाज में इतना परचेजिंग पावर ना हो दिस इज हाउ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इम्पैक्ट करेगा अगर सपोज हम बात करें एप्पल के फोन्स की हम दोबारा एग्जाम्पल लेते हैं अमेरिका में हो सकता है हर तीसरा या चौथा पर्सन जो है दे आर यूजिंग एप्पल फ़ोन बिकॉज दे कैन ईजिली अफोर्ड इट बट अगर आप इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में हो सकता है हर 50 में से 10 बंदों के पास होगा सो दिस इज़ ऑल द डिफ्रेंसेज देन चेंजेस इन इनकम इनकम लेवल में फ़र्क होता है हर कंपनी हर कंट्री के हर जगह के हर इकोनॉमी के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट को हम वहाँ पे पोजीशन करते हैं हो सकता है एक पर्टिकुलर इकॉमी में लोगों की अच्छी इनकम है हमारा प्रोडक्ट को थोड़ा महंगा लॉन्च कर सकते हैं अदरवाइज हम लोगों की इनकम के बेसिस पर हम प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे देन चेंजेस इन कस्टमर स्पेंडिंग पैटर्नस नाउ देर आर सम इकोनमीज जहाँ पर पीपल दे डोंट प्रेफर टू स्पेंड मोर वहाँ पर लोग थोड़े कन्जरवेटिव होते इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते उनकी स्पेंडिंग कैपेसिटी इतनी नहीं होती सो so, एकॉर्डिंगली आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज भी जो है वेरी करेंगी दैन वी हैव नेचुरल इन्वायरमेंट नैचुरल इन्वायरमेंट जो आपकी नेचर से रिलेटेड है सपोज हायर पॉल्यूशन लेवल्स कई बार एक गवर्नमेंट इंटरवीन करती है अगर कर पॉल्यूशन लेवल ज़्यादा हो रहे होते हैं फॉर एग्जाम्पल फ्यू ईयरस बैक डेली में जो भी मैन्यूफैक्चरिंग फैक्ट्रीज थी देवर ऑल सेंड आउट ऑफ दी रेजिडेंशल एरियाज और उनको एन सी आर में इस्टेबलिश कर दिया गया था दैट वॉज पॉल्यूशन लेवल की वजह से गवर्नमेंट ने जो इनिशियटिव लिया ठीक है सेम इन द केस ऑफ मोर गवर्नमेंट इंटरवेंशन जहां जहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवीन करती है अपने अलग से एफर्ट्स लेती है नेचुरल इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए मार्केटिंग के स्ट्रैटेजीज को आपको अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ता है देन देर कैन बी शॉर्टेजेस ऑफ रॉ मटीरियल हो सकता है अगर आप शुगर की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो एक पर्टिकुलर एरिया में शुगर केन्स इतने प्रोड्यूस ही नहीं होते इतने ग्रो नहीं होते क्योंकि वहाँ पर क्रॉप्स इतना सक्सेसफुल नहीं है कि वो प्रोड्यूस हो पाए सो so, आपको मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ऐसी बनानी पड़ेगी ताकि आप दूसरी किसी जगह से उसको प्रोक्योर कर सकें देन इंक्रीज कॉस्ट ऑफ़ एनर्जी आप जो जो वेरियस सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ कर रहे हैं उनकी कॉस्ट को इंक्रीज अगर कर दिया गया आपकी फाइनल कंपनी की कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी एंड टू हैव अ प्रॉफिटेबल वेंचर आपको ऐसी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी ऐसा मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन आपको बनना पड़ेगा जो उस हाई कॉस्ट में भी प्रॉफिटेबल वेंचर बना सके देन वी हैव कंपनीज माइक्रो एनवायरमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल इट इंक्लूस डी टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजिकल फोर्सिस दैट क्रिएट न्यू प्रोडक्ट एंड मार्केट न्यू अपॉर्चुनिटीज़ कौन सी नई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में है हो सकता है एक नई टेक्नोलॉजी मार्केट में लॉन्च हुई जिससे आई एम एबल टू प्रोड्यूस वन लैक ऑफ यूनिट्स इन वन गो एक सिंगल गो में आप वन लैक ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हो मार्केट में से कोई टेक्नोलॉजी यूज हो गई अगर आपके अब आप कॉम्पिटिटर्स अगर उसको वो यूज कर रहे हैं और आपके पास वो नहीं है सो so समवेयर आप उस पर लैक कर जाएंगे अगर आपको प्रोडक्शन लेवल इतना हाई नहीं हो पाएगा देन पॉलिटिकल पॉलिटिकल वहाँ के लॉज कैसे हैं जो भी एजेंसीज हैं जो लॉ की रेगुलेशन को देखती हैं वो कौन से ग्रुप हैं जो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं पॉलिटिकली सपोज एक पॉलिटिकल पार्टी है यू हैव गुड लिंक विद देम लेकिन दैट अगेन अगर कोई अपोजिंग पार्टी रूलिंग पार्टी बन जाती है तो आपको वो एक ड्रॉबैक हो जाता है देन द कल्चरल फैक्टर्स फोर्सिस दैट अफेक्ट अ सोसाइटीज बेसिक वैल्यू परसेप्शन प्रेफ्रेंसिस एंड बिहेवियर्स वो सारी चीज़ें जो एक सोसाइटी की बेसिक वैल्यूज को इम्पैक्ट करती हैं अगेन फॉर एग्जाम्पल इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्यूफैक्चर ऑफ वाइन यहाँ पर बहुत सारी वाइन्स बनती हैं लेकिन वाइन कि इतनी सेल इंडिया में नहीं है एज़ कम्पेयर टू यूरोप एज़ कम्पेयर टू अमेरिका तो वहाँ पे ज़्यादा सेल है वहाँ इंडिया से वाइन जो है इम्पोर्ट किए एक्सपोर्ट किए जाती है टू तो अदर कंट्री सो बेसिक वैल्यू हमारी कंट्री की ऐसी नहीं है हम लोगों का परसेप्शन कैसा है एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके प्रेफरेंसेस हम किस टाइप की चीज़ों को देते हैं अगर हमें कोई एक चीज़ ऐसी दिखाई जाती है विच हैज़ सम माइथोलॉजिकल लिंक टू इट वी डू गिव प्रफरेंस टू दैट पर्टिक्युलर थिंग बिहेवियर कैसा है एक पर्टिकुलर कंट्री में लोगों का देन दॉजिकल एनवायरमेंट टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट रैपिड पेस ऑफ चेंज हो रहा है हाई आर एंड डी हो रही है आर एंड डी इज़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट सो एवरी नाउ एंड न्यू टेक्नोलॉजीज आर कमिंग रैपिडली चेंजिंग एनवायरमेंट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स किए जाते हैं जस्ट टू कीप अट्राइक कि कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं एकॉर्डिंगली हम नई पॉलिसीज ला सकें नई टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर सकें दैन फोकस ऑन दी माइनर इम्प्रूवमेंट एंड इंक्रीज द फोकस ऑन माइनर इम्प्रूवमेंट बारीक से बारीक जो इम्प्रूवमेंट मैं कर सकती हूँ आई विल डू इन माई टेक्नोलॉजी सो दैट मैं क्वालिटी प्रोडक्ट कस्टमर्स को प्रोवाइड करूँ इफ़ आई गिव यून एन एग्जाम्पल ओवर हेयर इज ऑफ सिक्स सिग्मा सिक्समा बेसिकली एक क्वालिटी मेजर है प्रोडक्शन में बेसिकली ये यूज़ होता है सिक्स सिगमा बेसिकली मीन्स यू आर प्रोड्यूसिंग समवेयर अराउंड नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन नाइन सिक्स परसेंट डिफेक्ट फ्री प्रोडक्शन इट मीन्स पॉइंट जीरो जीरो फोर परसेंट ही खाली आपके डिफेक्ट होंगे बहुत बहुत माइनर सा डिफेक्ट रेट रह जाता है वाई आई एम डूइंग ऑल दीज things? वाई बिकॉज मेरी कंपनी का क्वालिटी अगर इम्प्रूव होगा तो फाइनली मेरी कंपनी को इसका बेनिफिट मिलेगा मेरे रिसोर्सेज़ कम वेस्ट हो रहे हैं मेरी कॉस्ट कम लग रही है मेरी ब्रांड इमेज इंक्रीज हो रही है फाइनली मेरी कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज़ हो जाएंगे देन इंक्रीज रेगुलेशंस गवर्नमेंट जितना रेगुलेशन जितनी चेक रखना चाहती है उसके लिए दे विल कीप अ वेरी स्ट्रिंजड कंट्रोल सपोज एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी है जिसमें आपको कुछ ऐसा केमिकल यूज़ करना विच इज़ क्वाइट हार्मफुल टू द पब्लिक सो गवर्नमेंट विल कीप अ चेक उनकी बहुत टाइट रेगुलेशन होगी उसको लगे कि आप एक लिमिटेड अमाउंट में ही उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं सो दैट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन योर टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट देन पॉलिटिकल एन्वायरमेंट पॉलिटिकल एन्वायरमेंट इंक्रीज लेजिस्लेशन लेजिस्लेशन मीन्स बहुत ज़्यादा लॉज आपकी कंट्री में पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा ऐसे लॉज हैं जो इम्प्लीमेंट कर दिए गए हैं इन्फोर्समेंट पर्टिकुलर एक्ट की इन्फोर्समेंट चेंज हो गई उसके प्रैक्टिकलिटी चेंज हो गया और ग्रेटर कंसर्न फॉर एथिक्स नाव डेज देयर इज़ अ लॉट ऑफ इम्फोसिस इज गिवन ऑन वैल्यू एंड एथिक्स विच इज़ बीग फॉलोड बाई अ कंपनी एथिकल प्रैक्टिस को हमारी गवर्नमेंट बहुत आजकल प्रमोट करती है फॉर एग्जाम्पल आप टाटाज की अगर बात टाटाज ने बहुत सारे हॉस्पिटल्स खोले हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट खोले हैं वाई बिकॉज दिस इज देयर कंसर्न फॉर देअर सोसाइटी वो एथिकल प्रैक्टिस में बिलीव करते हैं वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को करने डिस्चार्ज करने में बिलीव करते हैं देन वी हैव कल्चरल एनवायरमेंट नाउ अ कल्चरल एनवायरमेंट बेसिकली इसमें हम व्यूज अपने एक्सप्रेस करते हैं ऑफ अपने ऑफ वन सेल्फ ऑफ अदर्स ऑर्गेनाइजेशन के क्या व्यूज़ हैं सोसाइटी के एज अ होल क्या व्यूज़ हैं व्यूज़ का नेचर कैसा है एंड एंटायर यूनिवर्स में उसको किस तरीके से परसीव किया जाता है किस तरीके से लिया जाता है देन वी हैव मार्केटिंग प्रोसेस नाउ सबसे पहले मार्केटिंग प्रोसेस में हम डिसाइड करते हैं मेरा बिजनेस का मिशन स्टेटमेंट क्या है व्हाट इज़ द बेसिक नीड मेरा मेन ऑब्जेक्टिव मेरा मेन सर्वाइवल का रीजन क्या है फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ आई वांट टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट लेस कॉस्ट मेरी एक मिशन स्टेटमेंट है देन मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है मेरे ऑब्जेक्टिव्स है मुझे मार्केट का मेजर शेयर कैप्चर करना है मेरे को आने वाले इतने टाइम में इतने करोड ऑफ रुपीस का प्रॉफिट इंक्रीज करना है दीज आर वेरियस ऑब्जेक्टिव्स वंस आपने अपने मिशन स्टेटमेंट को इस्टेब्लिश कर लिया आपने उनके सिंक में ही उसके अकॉर्डिंग्स में ही आपने ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड कर लिए देन यू विल बी डूइंग दी सिचुएशनल और स्वॉट एनालिसिस वी हैव डिस्कस दिस थिंग एज वेल अर्लियर स्वॉट इज द एकरोनिम फॉर स्ट्रेंथ वीकनेसिस ऑपरचुनिटीज एंड थ्रेट्स अब जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू दी इंटरनल एनवायरनमेंट ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होते हैं अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट इट बिलोंग्स टू दी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कंपनी के कंट्रोल से बाहर होता है अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट अकॉर्डिंगली इन तीनों चीजें के बेसिस पे वी विल मेक वन मार्केटिंग स्ट्रेटजी नाउ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इज बेसिकली हाउ यू विल बी ट्राइंग टू अचीव योर मिशन योर ऑब्जेक्टिवस and how you will relate your strengths and weaknesses with the opportunities and threats available in the environment. आपकी जो strength है, आपकी core competencies हैं, आप कैसे उनको opportunities में convert करते हो ताकि आपके objectives achieve हो पाए. This is this will be done by your marketing strategy. अब आप पहले अपना एक target market decide कर लो कि this is your market target. आपको एक particular customers को ही एंटरटेन करना है उन्हीं का प्रोडक्ट सेल करना है देन यू विल डू मार्केटिंग मिक्स मार्केटिंग मिक्स में बेसिकली दे आर फोर पीस प्रोडक्ट प्राइस प्लेस एंड प्रमोशन प्रोडक्ट आप कौन सा प्रोडक्ट प्रोवाइड प्रोड़ कर रहे हो मार्केटिंग में हम जब प्रोडक्ट की बात करते हैं तो खाली प्रोडक्ट एक फिजिकल प्रोडक्ट ना हो के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दोनों को इंक्लूड करता है प्रोडक्ट इज बेसिकली द देंजिबल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज विच इज़ इंटेंजिबल फॉर एग्जांपल अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक परचेज करने जा रहे हो दिस इज समथिंग टेंजिबल इन नेचर ऑन अदर हैंड अगर आप सपोज एक बैंक में सर्विसेज अवेल करते हो दैट इज समथिंग इंटेंजिबल वो सर्विसेज हैं आपके लिए सो so, आप एक प्रोडक्ट को मार्केटिंग मिक्स में कंसिडर करते हो देन प्लेस आपको कौन सी पर्टिकुलर प्लेस में एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोवाइड करना है आपने ऑल ओवर इंडिया कस्टमर्स को प्रोडक्ट देना है खाली दिल्ली में देना है अब्रॉड देना है देन प्राइस आप कितना मॉनेटरी चार्ज करोगे आप कितने चार्जेस लोगे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को देने में सर्विसेज को अवेल करने में देन प्रमोशन प्रमोशन किस तरीके से होगा आप एडवर्टाइजमेंट कैसे करोगे कौन कौन से मीडिया आप यूज़ करोगे आप हो सकता है टीवी पे पर ऐड दे रहे हो न्यूज़पेपर्स पे में ऐड दे रहे हो सकता है आप डायरेक्ट मार्केटिंग कर रहे हो ऑल दीज थिंग्स विल कम अंडर मार्केटिंग मिक्स वंस यू विल इम्प्लीमेंट दिस स्ट्रैटेजी यू विल डू द इल्युएशन एंड कंट्रोल आपने स्ट्रैटेजी बना ली आपने पूरे डिजाइन कर लिया मार्केटिंग मिक्स के बेसिस पे देन यू विल इम्प्लीमेंट द स्ट्रैटेजी देन यू विल अगेन डू द मार्केटिंग रिसर्च आप इवेल्यूएट करोगे कि वेदर योर कस्टमर्स आर रियली सैटिस्फाइड बाई योर प्रोडक्ट एंड देन अगर कोई डेविएशन है आप कंट्रोल के स्टेप्स लेंगे देन वट इज मार्केटिंग ऑडिट ऑडिट हम यूजुअली जब सुनते हैं हमारे दिमाग में आता है वो ऑडिट जो कंपनीज में होता है जस्ट टू चेक कि सिस्टमैटिकली काम हो रहा है या नहीं सेम ऑडिट इज़ बींग यूज इन मार्केटिंग एज वेल मार्केटिंग रिगार्ड में ऑडिट का मीनिंग होता है इट इज़ अ सिस्टमैटिक कॉम्प्रीहेंसिव एंड पीरियोडिक रिव्यू ऑफ़ दी इंटायर मार्केटिंग एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन व्हाट दे आर ट्राइंग टू से एक सिस्टमैटिक पीरियोडिक रिव्यू लिया जाता है पूरी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ जो जो हो रही हैं विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन द मेन पर्पस ऑफ एन ऑडिट इज टू डिटरमाइन व्हाट इज़ करंटली बीइंग डन जो हम अभी प्रेजेंटली हम जो स्ट्रैटेजीज़ फॉलो कर रहे हैं वो कौन कौन सी हैं उन्हें ईवेल्यूएट करना कि क्या उनके एंड कॉन्स हैं वेदर इट इज़ रियली वर्किंग और नॉट really जो मैंने सोचा था जो मेरे प्री स्टेबलिश्ड ऑब्जेक्टिव थे स्टैंडर्ड से वो अचीव हो रहे हैं या नहीं एंड फाइनली रिकमेंड करना कि फ्यूचर में उसको इम्प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं देन द बेनिफिट्स ऑन ऑफ ऑडिट आर इन डेप्थ पिक्चर ऑफ वट यू आर डूइंग आपको एक इन डेप्थ क्लियर पिक्चर मिल जाती है कि ओके दिस इज द थिंग विच इज़ करंटली टेकिंग प्लेस इतने कस्टमर जिनको मैं अभी टारगेट कर सकता हूँ इतने अभी इतने पर्टिकुलर मार्केट एरिया है विच आई हैव ऑलरेडी कवर्ड इतना प्रॉफिट है विच आई एम मेकिंग करंटली देन फॉस्टर अवेयरनेस थ्रू आउट योर बिजनेस आपका जितना बिजनेस लाइन है सबके बारे में यू विल गेट टू नो कि एग्जैक्टली क्लियर पिक्चर क्या है देन असिस्ट द बिल्डिंग ऑफ इंटरनल रिलेशनशिप्स इंटरनली कंपनी में किस तरीके से काम हो रहा है आपको वो पता चलता है देन इट मार्केटिंग एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस मार्केटिंग के हर एक पहलू को हर एक एस्पेक्ट को वी आर कंसीडरिंग इन मार्केटिंग ऑडिट रिजल्ट उसका यह होता है कि हमारी मार्केटिंग की इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है देन इट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर इनपुट फ्रॉम अदर एरियाज ऑफ द बिजनेस अगर मुझे लगता है कि मार्केटिंग के मेरे इस पर्टिकुलर एरिया में आई एम लैकिंग मैं अपने प्री स्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स को अचीव नहीं कर रही तो दैट एरिया इज़ एन एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर मी मैं वहाँ पे कुछ ज़्यादा इनपुट्स लगा के आई कैन गेट बेटर रिजल्ट्स दिस विल बी गिवन बाय इनसाइट मेरे को तभी पता चलेगा जब मैं मार्केटिंग ऑडिट करूँ देन प्रोवाइड एंड इम्पॉर्टेंट इन्साइट इन टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ मार्केटिंग प्लानिंग मार्किटिंग प्लानिंग की इनसाइट डिटेल्स अगर आपको पता करनी है इम्प्रूवमेंट आप मार्केटिंग प्लानिंग में कैसे कर सकते हो दिस ऑल यूल केम टू नो ओनली अबाउट ओनली इफ़ यू विल डूइंग दी मार्केटिंग ऑडिट तो बेसिकली अगर हम इसको सम अप करते हैं मार्केटिंग ऑडिट का मतलब यही है आप कैसे मार्केटिंग की डिफरेंट आस्पेक्ट्स को डिफरेंट एक्टिविटीज़ को एनालाइज कर रहे हो ईवेल्युएट कर रहे हो और अकॉर्डिंगली करेक्टिव एक्शंस ले रहे हो That's all for this session. Thank you.